कंगाली, आज इतना सा ही कोयला हुआ, हम इसको बाजार में जाके बेच के तेरे लिए खाना लेके आएंगे, ठीक है? उसका बाद अभागी अपना आंखों से किया कर्म देखते जा रहा है और मन मन से सोचते रहे, माता रानी आप तो स्वर्ग में चले गए, बस आप यही प्रार्थना करना कि मैं भी अपने कंगाली बेटे के हाथ से आग लेके स्वर्ग में जाऊं। माँ मैं अभी तक घर नहीं गई, चलो भूख लगाया, चलो बेटा नहा के खाना खाए। ये अभागी कैसे अभागी बना इसके इतिहास आप लोग को थोड़ा बोलते हैं। कावली माँ का इतिहास थोड़ा छोटा है। अभागी पैदा होने का टाइम उसका मम्मी मर जाते हैं, उसी टाइम उसका पापा गुस्सा से नाम दिया अभागी। शादी का 7 दिन का बाद उसका पति उसको छोड़ के चला जाता है। अभागी अपना बदकिस्मत के साथ जिंदगी गुजारते हैं। बेटा ऐसे नहीं बोलते, माता रानी तो स्वर्ग में गए तो हम उसे देखने के लिए गए थे। माँ ऐसे थोड़ी होता है। हाँ बेटा हम अपने आँखों से देखे माता रानी स्वर्ग में गई है। माँ सच्ची? हाँ बेटा। माँ तू भी स्वर्ग में जाएगी। माँ काम पे नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? कंगाली आगे चल तेरे पास कहानी सुनाऊंगी। बेटा तेरा हाथ से आग लेके हम स्वर्ग में जाएंगे, आग देगा ना तू? माँ तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? तेरा कुछ नहीं होगा बेटा, जब हम मर जाएंगे तो तुमको कोई छोटा जात बोल के गाली नहीं देगा, गरीब बोल के कोई ताना नहीं मारेगा। हट, ऐसा मत बोल माँ। कवाली बेटा एक काम करेगा तू, तू अपने बाबा को लेके आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। माँ का भोकर बेटा से बर्दाश्त नहीं हुआ, ना होने से कावली जाके कबीराज का पैर पकड़ के रोना शुरू किया। कबीराज बोला, जा 5 रुपया ला तब तेरे माँ के लिए दवाई देंगे। तो बेटा ना कुछ समझ के लोटा को गिरवी रख के 5 रुपया लेके कबीराज से दवाई लेकर गया माँ। अरे कावली बेटा क्यों तूने लोटे को गिरवी रख के मेरे लिए दवाई लाया? तू सुना है कि डोम के घर में दवाई खा के किसी का तबीयत ठीक हुआ है? बेटा जब हम नहीं रहेंगे तो तू खाना कैसे बनाना मैं बता दूंगी। माँ देख कौन आया है। क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? माँ बेटा कावली का 1000 बार बुलाने से माँ रुकता नहीं है, क्योंकि अभागी इस दुनिया में भी नहीं है।
मुखिया जी, मेरा माँ मर गया, थोड़ा सा लकड़ी मिलेगा? कौन सा चाहते तुम? डोम। चल निकल यहाँ से, कोई लकड़ी उकड़ी नहीं होगा, छोटा जात कहीं का। छोटा जात बोल के समाज में हर जगह से लात खाया, पहले तो कबीराज का पास, अभी मुखिया का पास लकड़ी के लिए। आखिरी समय में माँ के लिए इतना तक कावली नहीं कर पाए। दुनिया में कितना कावली अभी भी नहीं, ऐसे जात के लिए गाली सुनना पड़ता। जात से विचार ना करके इंसानियत से विचार कीजिए, अपना सोच को बढ़ाइए, देश खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा।